क्या हो जब एक बच्चे की लाश कब्रिस्तान से उठकर दोबारा अपने घर की डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाए? क्या हो जब रात में आप सो रहे हों और आपके घर की दीवार के अंदर से नॉक नॉक की आवाज आए? कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने किचन में आने वाली डरावनी आवाजों से बहुत परेशान होती है। वो उस डरावनी और मिस्टीरियस आवाज को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाजें और बढ़ती ही जा रही होती हैं। जब शाम को उसका पति, जिसका नाम जॉन होता है, वो घर आकर उससे खाना मांगता है, तो वो लेडी बताती है कि किचन से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया। तब जॉन किचन में जाकर आवाजों को सुनता है और बताता है कि वो आवाज शायद पाइप से आ रही है, जिसे प्लम्बर ठीक कर देगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तब उसकी पत्नी बताती है कि ये आवाजें हमारी जान लेने को कह रही हैं। ये बात जॉन को बहुत अजीब लगती है और वो उसे इग्नोर करके सोने चला जाता है। जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी जॉन की वाइफ उठकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर जॉन की आंख खुलती है, जिसे दीवार के उस साइड से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। लेकिन उसको लगता है कि शायद उसका नेबर अपने घर की मरम्मत कर रहा है। फिर वो सोचता है कि सुबह 5 बजे कौन अपने घर की मरम्मत करेगा। इन सारी चीजों में उसकी नींद खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो दीवार को पीटते हुए अपने नेबर से आवाज बंद करने के लिए कहता है, लेकिन आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर गुस्से में आकर जॉन अपने नेबर के गेट के सामने जाकर उसे बहुत कुछ सुनाता है और वापस आकर अपने बेड पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी जॉन को रियलाइज होता है कि ये आवाजें किसी और डायरेक्शन से आ रही है। तब वो अपने वॉशरूम में जाकर देखता है तो उसकी वाइफ हवा में उड़ते हुए अपने सिर को दीवार पर मार रही होती है और उसकी वाइफ खून से लथपथ होती है। ये सब कुछ देखकर जॉन बहुत डर जाता है। अब वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ पर किसी बुरी आत्मा का साया होता है और वो अपना सर दीवार में लड़ा लड़ा कर मर जाती है। अब आगे 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जॉन को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं। दरअसल पुलिस के पास कोई सबूत ना होने के कारण उन्हें लगता है कि जॉन ने ही अपनी वाइफ का खून किया है, इसलिए उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब जॉन की बताई गई बातों पर पुलिस विश्वास नहीं कर रही होती, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले तीनों इन्वेस्टिगेटर उसकी बात पर भरोसा कर रहे होते हैं। तब वो तीनों जॉन से उसकी वाइफ के मरने के 2 हफ्ते पहले की कुछ अजीब और अलग घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब जॉन बताता है कि उनके घर के सामने एक्सीडेंट में एक बच्चा मर गया था और उसका नेबर बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार करता था और अपनी दीवारों से बात करता था और कभी कभी उसके घर से काफी अजीब सी आवाजें भी आती। उधर जॉन का नेबर अपने ऑफिस में बैठा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके साथ कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज हो रही थी। फिर रात में जॉन का नेबर सो रहा होता है और अचानक उसका बेड हिलने लगता है। वो बेड से नीचे देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगली सुबह वो फिर उसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के डॉक्टर को फोन कर रहा होता है, लेकिन उस डॉक्टर की असिस्टेंट फोन उठाकर उसके साथ हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का प्रूफ मांगती है। अब जब वो अपने घर जाता है, तभी रास्ते में जॉन मिलता है और जॉन उससे बताता है कि उसकी घर की मरम्मत की वजह से उसकी दीवारों में दरारें आ गईं। लेकिन कुछ बिना बताए ही जॉन का नेबर घर में चला जाता है और फिर वो कैमरा अपने बेडरूम में लगाकर सो जाता है और रोज की तरह उसके साथ वही सब कुछ होता है। तभी देखता है कि उसका कैमरा किसी ने तोड़ दिया है, लेकिन वीडियो ऑन करने पर उसे पता चलता है कोई एक बहुत ही बुरी आत्मा है जो हर रोज उसे डराया करती है। तभी वो बुरी आत्मा उस पर अटैक कर देती है। अब आगे एक बच्चे की बॉल जॉन के नेबर के लॉन में आ जाती है, तो वो बच्चा अपनी बॉल लेने वहां आता है और नल से पानी पीने लगता है। तभी उसको कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो पीछे भागने लगता है। तभी एक बस आकर उस बच्चे को कुचल देती है। वहां शोर सुनकर जॉन तुरंत घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके नेबर एलिसिया के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सब लोग उसे पास के ही कब्रिस्तान में दफना देते हैं। अब आगे जो इन्वेस्टिगेटर जॉन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनमें से एक को उसके दोस्त का आधी रात में फोन आता है। उसका दोस्त एक पुलिस वाला होता है और आधी रात को वो उस इन्वेस्टिगेटर को अपने पास बुलाता है। जब वो इन्वेस्टिगेटर अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो एलिसिया का घर होता है, जहां डाइनिंग टेबल पर वही लड़का बैठा होता है जिसकी बस एक्सीडेंट में डेथ हो गई होती है। वो लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन सब ने मिलकर ही उस बच्चे को दफनाया था। फिर भी इस बात को सुपरनेचुरल एक्टिविटी समझकर वो इन्वेस्टिगेटर वहां से जाने लगता है। तभी उस बॉडी के पास रखा दूध का गिलास टेबल पर गिर जाता है और लोग डर जाते हैं। अगली सुबह एक मोरा नाम की इन्वेस्टिगेटर जॉन के नेबर के घर की पिक्चर ले रही होती है, तब दूसरा इन्वेस्टिगेटर उससे मिलता है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर मोरा को एलिसिया के घर लेकर जाता है और उसको सारी बातें बताता है कि कैसे एलिसिया का बेटा कब्रिस्तान से उठकर फिर से घर में आ बैठा है और वो दो
दोनों वहां बैठकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा एलिसिया के बच्चे को चेयर पर बैठा खिड़की की ओर देख रहा होता है। तभी वो बॉडी अपना सिर हिलाती है और वो बच्चा चिल्लाकर भाग जाता है। तभी ये आवाज सुनकर वो इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि विंडो खुली होती है और वहां पर एक बैग और कुछ किताबें होती हैं। उसके बाद वो लोग मिलकर उस डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देते हैं और आगे उसका पुलिस दोस्त वहां डेड बॉडी लेने आता है ताकि फिर से उस डेड बॉडी को दफना सके। अब जैसे ही वो लोग फ्रीजर के पास पहुंचते हैं, फ्रीजर तेजी से हिलने लगता है और बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी उस डेड बॉडी को फ्रीजर समेत ही दफनाने की बात करते हैं। आगे यही इन्वेस्टिगेटर जॉन के पास अपने घर को इन्वेस्टिगेट करने की अप्रूवल लेने जाते हैं। तब जॉन उनके द्वारा दिए गए कागज पर दस्तखत कर देता है और इन्वेस्टिगेटर अपना सामान लेकर जॉन के घर की तरफ चल देते हैं। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोरा जॉन के घर में जाती हैं और एक ऑफिसर जॉन के नेबर के घर में जाता है और एक इन्वेस्टिगेटर एलिसिया के घर में होता है। जॉन के नेबर के घर में इन्वेस्टिगेटर देखते हैं कि चाकू और चम्मच एक अलमारी से चिपके हुए हैं और जब एक इन्वेस्टिगेटर नजदीक जाकर देखता है तभी एक चाकू उसके हाथ पर गिर जाता है जिससे खून निकलने लगता है और कुछ ही देर में अलमारी के अंदर से कोई उसके हाथ से निकलता हुआ खून चूस रहा होता है। मगर जब लोग अलमारी खोलकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर दूसरे घर में मोरा के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही होती हैं और जो इन्वेस्टिगेटर एलिसिया के घर में था वहां उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होता। उसके बाद जॉन के नेबर के घर में इन्वेस्टिगेटर और पुलिस ऑफिसर बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें एक घोस्ट दिखाई देता है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर अपने दोस्त को फोन करता है। तब उसका दोस्त फोन पर बात करते हुए दूसरे घर में घोस्ट को देखता है। तभी अचानक वो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर के सामने आ जाता है जिससे वो बुरी तरीके से डर जाता है। तब दूसरी तरफ फोन पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेटर को मदद की जरूरत है इसलिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी अलमारी से एक आवाज आती है। जब वो पुलिस ऑफिसर अलमारी खोलता है तो देखता है उसका इन्वेस्टिगेटर दोस्त अब घोस्ट बन चुका होता है जिसको देखने के तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर लेडी इन्वेस्टिगेटर मोरा के पास जाता है और दूसरे इन्वेस्टिगेटर को उनके बारे में बताता है। मोरा इस बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो जॉन के घर की दीवार में आई दरार को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वो बताती है कि ये सारी चीजें वाटर के थ्रू फैलती हैं पर इंसानों में भी पानी होता है इसलिए घोस्ट उन पर हावी हो जाते हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरा एरिया हॉन्टेड हो जाएगा। तभी अचानक उस दरार में से एक हाथ आता है और मोरा की गर्दन तोड़ देता है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर खिसकते हुए किचन में जा रहा होता है तभी एलिसिया वहां आ जाती है जिससे पुलिस वाला उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। तब एलिसिया मदद के लिए उसको कार में बैठाती है और जब पुलिस वाला कार में बैठता है तो देखता है कि एलिसिया का बेटा कार में पहले से ही बैठा हुआ है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर डर जाता है और अपनी कार में आकर कार स्टार्ट कर ही रहा होता है तभी मोरा की लाश आकर उसके दरवाजे से लड़ती है। तभी पुलिस वाला अपनी कार वहां से लेकर भाग जाता है और एक जगह अपनी कार रोककर वॉकी टॉकी से पुलिस हेडक्वार्टर में मदद मांगता है और उसके बाद कुछ पेट्रोल लेकर फिर से उसी एरिया में वापस जाता है और तब वहां पुलिस ऑफिसर पेट्रोल लेकर एलिसिया के घर में जाता है तो पता लगता है कि एलिसिया ने भी सुसाइड कर लिया है। तब वो उस घर में पेट्रोल छिड़कता है और बाहर आकर आग लगाने ही वाला होता है तभी उसका इन्वेस्टिगेटर दोस्त वहां आकर आग बुझा देता है और पुलिस वाला अपनी गन निकालकर वहां पर आग लगा देता है। अब आगे जॉन को फिर से तीन नए इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और उसे पुराने इन्वेस्टिगेटर्स की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर देखने के बाद जॉन बताता है कि उन तीनों इन्वेस्टिगेटर्स में से एक इन्वेस्टिगेटर उनके पीछे खड़ा हुआ है जिसका फेस जला हुआ है। वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन तभी एक चेयर हिलती हुई नजर आती है और अचानक से इन तीनों पर उड़कर आने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।